नमस्कार, मैं हूँ रीना यादव। आप देख रहे हैं एनबी टीवी। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आइए देखते हैं इस वक्त की प्रमुख खबर। किसान के खून पसीने से सींची हुई फसल पककर कटने की कगार पर थी। कटाई भी प्रारंभ हो गई थी पर ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। अचानक किसान की मेहनत धू धू कर जलने लगी। जब तक किसान कुछ समझ पाता तब तक आग बहुत बड़े हिस्से में फैल चुकी थी। घटना होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा तहसील के ग्राम अमड़ाला डोंगर रेहड़ा भांगिया बोरट की है, जहां गेहूं की खड़ी फसल में आग लगने से लगभग 136 एकड़ फसल जलकर खाक हो गई। आपको बता दें कि दोपहर में अचानक आग अमलाला डोंगर स्थित खेत में लगी। आग की खबर लगते ही ग्रामवासियों ने आग पर काबू पाने की भरसक कोशिश की, लेकिन हवा तेज होने के चलते आग पर तुरंत काबू नहीं पाया जा सका और आग की लपटों की चपेट में ग्राम भांगिया बोरट और रेहड़ा के खेत भी आ गए। वहीं प्रशासन के द्वारा आसपास के शहरों से भी मौके पर दमकल बुलाई गई, जिसके बाद बामुश्किल आग पर काबू पाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम अमलाला डोंगर रेहड़ा भांगिया बोरट में हुई आगजनी की जानकारी मिलते ही तुरंत पुलिस सहित प्रशासनिक अमला भी घटना स्थल पर पहुंच गया था, जहां जले हुए खेत का पंचनामा पटवारियों के द्वारा बनाया जा रहा है। वहीं नायब तहसीलदार महिमा मिश्रा ने बताया कि आग से लगभग 136 एकड़ खेत में गेहूं की फसल जली है, जो कि 39 अलग अलग किसानों की है। आपका सुखराम यदुवंशी। ये आग कैसे लगी है? पता नहीं साहब, इधर से आई वो तो कैसे लगी है। कितने एकड़ का खेत जल गया आपका? 12 एकड़ था। क्या बोया था खेतों में? गेहूं में। क्या नाम है आपका? राजेंद्र सर। ये आग जो लगी कैसे लगी? ये हार्वेस्टर से लगी। कितने एकड़ का आपका जो खेत जला है? 16 एकड़। 16 एकड़ पूरा जल गया। हाँ। और लगभग अनुमानित कितने एकड़ खेत जले होंगे? लगभग 150-200 एकड़ के लगभग। अस्तान सिंह यदुवंशी। ये आग जो लगी है कैसा लगी है? जी आग पता नहीं कैसे लगी है, मगर हम इसके लिए बुझाने के प्रयास करने के लिए आए हैं भिड़दोपुरा से। ये लगभग कितने एकड़ का रकबा जल गया? ये कम से कम नहीं तो 500-700 एकड़ का रकबा जल गया। प्रशासन की ओर से कोई मदद? प्रशासन की ओर से अभी एसडीएम तहसीलदार साहब आए थे, बोले हमारे यहाँ गाड़ी की व्यवस्था नहीं है, फायर ब्रिगेड। शैलेश कुमार गौर। क्या यहाँ ये आग कैसे लगी हुई है? ये आग का हमको पता नहीं कैसे लगी। क्या प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन हमारे को तो हमारे भांजे धर्मेंद्र यदुवंशी ने फ़ोन लगाया था कि मामा जी आग लग गई है, तो हम यहाँ पर आए थे। अभी एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब आए थे, वो बोल रहे हैं कि तुम लोग भीलड़ बाबा से आके यहाँ क्या कर रहे हो? आप लोगों ने आग लगाई क्या? हम क्यों आग लगाएंगे? बोले केस दायर कर देंगे हमारे ऊपर। आप भीलड़ दो से यहाँ आग बुझाने कैसे आए? में खेत में आग लगने का मामला सामने आया, क्या मामला है? ग्राम अमलाड़ा डोंगर में तकरीबन 3 बजे जानकारी मिली थी कि खेत में आग लग गई है, तो जैसी सूचना मिली हम लोग तत्काल मौके पर पहुंचे। मौके का मुआयना किया, ग्रामवासियों और पंचायतों के टैंकर्स द्वारा आग पर नियंत्रण पाया गया। लगभग प्रारंभिक जो आकलन किया गया उसके मुताबिक 70-80 एकड़ की फसल नष्ट हुई है और 30-40 किसान इससे प्रभावित हो रहे हैं। हमारे वहाँ की पटवारी मैदानी अमला तत्काल सर्वे के लिए लग गया है। सर्वे कर नियमानुसार RBC 4 के तहत प्रभावित कृषकों को राहत राशि दी जाएगी। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए अधिकारी पूरे जिले में निरीक्षण कर रहे हैं और सभी व्यवस्थाओं का जायजा भी ले रहे हैं। इसी के तहत जिला पंचायत CEO आदित्य सिंह ने भी सिवनी मालवा नगर की सुरक्षा व्यवस्था एवं समस्त व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिला पंचायत CEO सबसे पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिवनी मालवा पहुंचे। वहां पर उन्होंने BMO सहित वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों के साथ बात की एवं किसी भी प्रकार की जरूरत के लिए निर्देश दिए कि इलाज के दौरान किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुरंत उन्हें बताया जाए, समस्त व्यवस्थाएं करा दी जाएंगी। उन्होंने बताया कि शासन की ओर से जो भी दिशा निर्देश आए उसका कड़ाई से पालन कराना हमारी जिम्मेदारी है। हालांकि सिवनी मालवा की व्यवस्था देखकर CEO संतुष्ट नजर आए। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला पंचायत CEO ने SDOP एवं थाना प्रभारी के साथ बातचीत भी की और लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश भी दिए। उन्होंने बताया कि अब हमारी उन लोगों पर सख्त नजर है जो पलायन कर रहे हैं। किसी भी मजदूर को कहीं से भी ना आने की जरूरत है, ना ही कहीं जाने की जरूरत है। शासन की ओर से उनके रुकने की व्यवस्था की जा रही है। पूरे शहर का निरीक्षण करने के बाद जिला पंचायत CEO ने समस्त अधिकारियों के साथ रेस्ट हाउस में एक बैठक भी की। इस मौके पर SDM रविशंकर राय, तहसीलदार दिनेश साबले, SDOP सौम्य अग्रवाल, थाना प्रभारी संजय चोकसे, उप निरीक्षक आकाश शर्मा सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। अभी सिवनी मालवा तहसील किस प्रकार के दिशा निर्देश दिए? व्यवस्था किस प्रकार की?
सिंहवाग तहसील में अभी हम लोगों ने हॉस्पिटल का और सब्जी मंडी और इन सब का निरीक्षण किया है। जनरल जो हम लोगों का यहाँ पे अरेंजमेंट था उनका हम लोगों ने मुआयना किया है और सभी अरेंजमेंट संतोषजनक पाए गए। सर, प्रशासन की सतर्कता के बावजूद खुशी की बात है कि पूरे जिले की बात नहीं, संभाग में एक भी अभी पॉजिटिव केस नहीं है, इसको आगे कैसे मेंटेन किया जाएगा? अभी जो हम लोगों को ऊपर से निर्देश मिल रहे हैं उनका सख्ती से पालन करेंगे। बेस्ट जो प्रिवेंशन है वो लॉकडाउन का अच्छे से सख्ती से पालन किया जाए और हमारे पुलिस और प्रशासन का सहयोग सभी नागरिक करें, हमारा यही अपील है। सर, महानगरों की हम बात करें तो पलायन की वजह से सबसे ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, अगर हम जिले की बात करें, जिले में किस प्रकार से पलायन को रोकने के लिए कदम उठाए? हम लोगों ने सभी जगह आइसोलेशन वार्ड्स भी बनाए हुए हैं, सभी ग्राम पंचायत जो मेन रोड्स में उनके हम लोगों ने प्राइमरी चेकअप का और उनके रहने खाने का और क्वारंटीन का भी हम लोगों ने पूरा इंतजाम किया। सिवनी मालवा और उपनगरी बानापुरा के सभी प्राइवेट चिकित्सक लॉकडाउन के चलते गांव-गांव जाकर मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर निःशुल्क दवा का वितरण कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज कई ग्रामों में मरीजों के स्वास्थ्य की जांच डॉक्टर जीएन भास्कर, नीतेश जैन, नवोदित राठौर, विकास अग्रवाल, मयंक जैन, मनोज सोनी, अजय रघुवंशी, विशाल चौधरी, नीलेश नायक, योगेश मोहाले, पुनीत पाठक, उमेश यादव सहित अमित यादव ने की। वहीं इस अवसर पर केमिस्ट रूपेश तालमपुरिया, संजय जलखरे, पवन यादव, अमित अग्रवाल, पंकज रघुवंशी, सदस्य मालवी, पंकज गौर उपस्थित थे, जिनका विशेष सहयोग रहा। क्या नाम है सर आपका? मैं डॉक्टर मयंक जैन हूँ और मेरे साथ में डॉक्टर योगेश मोहले हैं, हम लोग स्वास्थ्य विभाग। सर, किस तरीका का परीक्षण किया जा रहा है? हम लोग परीक्षण लोगों को जागरूक कर रहे हैं कोरोना के बारे में, साथ में जिनको भी सर्दी जुकाम बुखार है उनके परीक्षण कर रहे हैं और लोगों को दूरी बनाने का हम लोग जानकारी दे रहे हैं। अभी तक कितने लोगों का यहाँ पर परीक्षण किया जा रहा है? अभी हम लोग करीब यहाँ पे 60 लोगों का परीक्षण कर चुके हैं। क्या अपील देना चाहेंगे आप ग्रामीणों के? ग्रामीणों से मैं बोलना चाहूँगा कि दूरी बना के रखें। जो स्वास्थ्य विभाग सभी को बोल रही है कि आप लोग दूरी बना के रहें, ज़्यादा से ज़्यादा घर पर रहें और जितने भी नियम हैं उनका पालन करें। लॉकडाउन के चलते जहां लोगों से बाहर ना निकलने की अपील लगातार शासन प्रशासन के द्वारा की जा रही है, वहीं कुछ लोग हैं जो नियमों को तोड़कर यहां वहां सार्वजनिक स्थानों पर जाकर बैठ रहे हैं, जिससे परेशान होकर सिवनी मालवा शहर के देवल मोहल्ला स्थित खेड़ापति मार्ग को कॉलोनी वालों ने पूर्णतः बंद कर दिया है, जिससे कि बेवजह लोग ना आए। कॉलोनी वासियों ने बताया कि हम नहीं चाहते हैं कि कोरोना वायरस फैले, जिसके चलते हम सभी के द्वारा मार्ग को बंद कर दिया गया है, जिससे कि कोई भी बाहरी व्यक्ति हमारी कॉलोनी में प्रवेश न कर सके, कोरोना वायरस न फैले और लोग सड़कों पर न आए, इसको लेकर लगातार शासकीय मशीनरी कार्य कर रही है, जिनको आज सेंट्रल बैंक के अधिकारियों कर्मचारियों ने गर्मी अधिक होने के चलते छाछ का वितरण किया। वहीं शाखा के प्रबंधक टीएस राव ने समाज से अपील की है कि हर व्यक्ति इस संकट की घड़ी में एक दूसरे की मदद करे, कि कोई भी भूखा ना सो पाए और जो हमारी सुरक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं उनका सम्मान करें, उनके लिए चाय पानी नाश्ते से भोजन की व्यवस्था करें। आपको बता दें कि इस अवसर पर प्रमुख रूप से शाखा प्रबंधक टीएस राव, प्रवीण सेरिया, निहार चंद्रायण, अभिषेक राठौर सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित थे। मध्य प्रदेश शासन के अनुसार जिले में गेहूं की खरीदी 1 अप्रैल 2020 से शुरू होने वाली है, जिसको लेकर जिला पंचायत सीओ आदित्य सिंह ने विभिन्न गेहूं खरीदी केंद्रों एवं वेयरहाउसों का निरीक्षण किया। वहीं समिति प्रबंधकों के साथ गेहूं खरीदी में आ रही परेशानियों का जायजा भी लिया। समिति प्रबंधकों ने सीओ को बताया कि अभी रंग धागा तथा टेक की व्यवस्था नहीं हो पाई है। वहीं सीओ द्वारा समिति प्रबंधक को बताया गया कि यह समस्या जल्द ही खत्म कर दी जाएगी। आपको बता दें कि आदित्य सिंह ने बानापुरा के जयदुर्गे वेयरहाउस, बिंद्रा वेयरहाउस बानापुरा से सोयाबीन प्लांट के वेयरहाउस का भी निरीक्षण किया। टिपलिया समिति प्रबंधक सब्बर सिंह रघुवंशी ने बताया कि कोरोना बीमारी के चलते मजदूरों की कमी रहेगी। वहीं बानापुरा समिति प्रबंधक राजेश कुमार गौर द्वारा बताया गया कि गेहूं खरीदी केंद्र पर सभी व्यवस्थाओं को समय सीमा में पूर्ण कर लिया जाएगा। साथ ही आदित्य सिंह ने निर्देशित किया कि सभी केंद्रों पर सैनिटाइजर, स्वच्छ पेयजल, हाथ धोने के लिए साबुन, कृषकों के बैठने के लिए कुर्सियों का इंतजाम खरीदी केंद्रों पर अति आवश्यक रूप से किया जाए। इस अवसर पर SDM रविशंकर राय, तहसीलदार दिनेश सावले सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। सिवनी मालवा तहसील कार्यालय में पदस्थ लिपिक लता जोशी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लखनलाल बरखनी की सेवानिवृत्ति पर तहसील कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा सोशल डिस्टेंस बनाकर भावभीनी विदाई साल श्रीफल देकर दी गई। SDM रविशंकर राय ने विदाई अवसर पर दोनों कर्मचारियों से कहा कि सेवानिवृत्ति भी दूसरे जीवन की शुरुआत होती है, इसमें हम परिवार के साथ रहकर आनंदित होते हैं, आगामी जीवन हंसी खुशी अपनों के साथ बिताएं। आपको बता दें कि इस अवसर पर SDM रविशंकर राय, तहसीलदार दिनेश सावले, नायब तहसीलदार नीलेश पटेल, महिमा मिश्रा सहित तहसील कार्यालय के सभी कर्मचारी सहित बाबू उपस्थित थे।
सिवनी मालवा तहसील के आदिवासी ग्राम सोता चिकली के रहने वाले बीएसएफ के जवान दिनेश दुर्वे का हृदय गति रुक जाने से आकस्मिक निधन हो गया, जिनका अंतिम संस्कार 1 अप्रैल को ग्राम सोता चिकली में किया जाएगा। ग्राम पंचायत सोता चिकली के सचिव अनिल उइके ने बताया कि मृतक बीएसएफ जवान दिनेश दुर्वे छत्तीसगढ़ में पदस्थ थे, जिन्हें प्लेन से भोपाल लाया जा रहा है, जहां से चार पहिया वाहन से ग्राम सोता चिकली लाया जाएगा और 1 अप्रैल को ग्राम सोता चिकली में ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। सिवनी मालवा के ग्राम बघवाड़ा में कुत्तों की चपेट में आने से एक हिरण का बच्चा घायल हो गया, जिसे ग्रामीणों ने कुत्तों के झुंड से उसे बचाया और 100 डायल पर उसकी सूचना दी, जिसके बाद 100 डायल ने हिरण के बच्चे को वन विभाग पहुँचाया। सुजीत रघुवंशी और मधुसूदन ने बताया कि हिरण का बच्चा झुंड से भटक गया था, जिसके चलते वो गांव में आ गया और कुत्तों का शिकार होते होते बचा है। पुलिस के द्वारा लॉकडाउन के दौरान लोगों से मारपीट करने के बीच अब पुलिस कर्मियों के द्वारा गरीबों की मदद करने की खबरें भी सामने आने लगी हैं। आपको बता दें कि ट्रक में राजगढ़ से पांडुरना जा रहे 120 मजदूरों को बैतूल पुलिस ने रोककर पहले सभी मजदूरों की स्कैनिंग की, उसके बाद सभी को भोजन कराकर पांडुरना रवाना किया गया। हमारे संवाददाता अमित पवार ने बताया पिछले एक माह से राजगढ़ में सभी मजदूर थे, जहां से वापस अपने घर पांडुरना ट्रक से जा रहे थे, जिन्हें पुलिस के द्वारा भोजन कराया और उनके घर के लिए रवाना कर दिया गया। प्रदेश भर में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने के चलते होशंगाबाद जिले में भी जिला स्वास्थ्य विभाग भी सतर्क हो गया है। इसी के चलते जिले की शासकीय अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधा एवं कोरोना संक्रमित मरीजों के प्राथमिक उपचार व चिकित्सा संबंधी व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए आज CHMO डॉक्टर सुधीर जैसानी समेत जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम पिपरिया सिविल अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंची, जहां CHMO जैसानी ने अस्पताल में पदस्थ चिकित्सकों व स्टाफ को संक्रमित मरीजों के उपचार व स्वयं की सुरक्षा से संबंधित आवश्यक निर्देश दिए। CHMO ने मीडिया से बातचीत में बताया कि जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीज की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। इस बीच अस्पताल में सेवाएं दे रहे रोगी कल्याण समिति के सदस्यों ने कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार के दौरान किसी भी अप्रिय घटना होने पर परिवार के एक सदस्य को नियमित शासकीय सेवा प्रदान किए जाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन भी CHMO को सौंपा। गौरतलब है कि पिपरिया का नवीन सिविल अस्पताल स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव व लंबे समय से पदस्थ डॉक्टरों की उदासीन रवैये से मरीजों को होने वाली परेशानियों को लेकर आए दिन चर्चा में रहता है। माना जा रहा है जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने भी इन्हीं शिकायतों के चलते आज पिपरिया अस्पताल का औचक निरीक्षण किया था। अब अभी जो 3 महीने के लिए डॉक्टर हम वैकेंसी निकाली है, उसमें 2-3 दिन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर यहाँ पिपरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सिविल अस्पताल में उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। नहीं, जिले में अभी कोई पॉजिटिव केस नहीं है और स्थिति नियंत्रण में, ऐसा कोई समस्या अभी कोरोना की फिलहाल नहीं है। देश भर में जारी लॉकडाउन के चलते मजदूर और गरीब तबके के लोगों पर आजीविका के साधनों के अभाव में जीवन यापन करने का संकट गहराने लगा है। ऐसे में घर से दूर अन्य राज्य व शहरों में मजदूरी कर अपना जीवन यापन करने वाले लोगों के पास अब घर वापसी ही एकमात्र विकल्प रह गया है, लेकिन परिवहन के साधन उपलब्ध न होने के चलते ये मजदूर वर्ग भगवान भरोसे सड़कों पर सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा पैदल करने को मजबूर है। पिपरिया में भी ऐसे ही 4 मजदूरों को पुलिस प्रशासन के सहयोग से नगर की सेवा भाभी जय माता दी समिति द्वारा भोजन की व्यवस्था कराई गई। सतना निवासी ये चारों युवक गुजरात स्थित किसी कपड़ा फैक्ट्री में मजदूरी का काम करते थे। लॉकडाउन के चलते फैक्ट्री बंद कर दी गई और मालिक ने मोबाइल फोन बंद कर लिया, जिससे इनके रहने व भोजन पानी की व्यवस्था भंग हो गई। ऐसे में पैदल अपने घर वापसी को निकले ये युवक रास्ते में सहायता करने वाले लोगों की मदद से 3 दिनों तक का सफर तय कर पिपरिया पहुंचे, जहां उनके भोजन पानी की व्यवस्था जय माता दी समिति द्वारा कराई गई, जिसके बाद वे आगे के सफर में इस उम्मीद से रवाना हो गए कि शायद आगे भी मददगार उन्हें मिलेंगे जो घर तक पहुंचा दे। क्या नाम है आप लोगों का? सूरज कुशवाहा। हैं? सूरज कुशवाहा। सूरज कुशवाहा। हाँ। कहाँ से आ रहे हो? ये आ रहे हैं हम लोग गुजरात से, अहमदाबाद से। क्या करते हो वहाँ? वहाँ कपड़ा लाइन में काम करते थे। अभी कहाँ जा रहे हो? अभी सतना के लिए जा रहे हैं। तो तुम यहाँ पिपरिया पैदल दिख रहे हो, पैदल ही आए हो क्या? होगा, कोई लिफ्ट दे दिया तो आगे साहब में, तो ऐसे पैदल आ रहे क्या करें। तो वहाँ से क्यों आना पड़ा आपको? उधर खाना पानी कोई नहीं आया, सेठ लोग भी नहीं आए, कब तक उधर लेट रहेंगे? वो लोग इंडिया वन मोबाइल में दिखा रहा है कि 3 महीने बंद रहेगा, 3 महीने तक क्या करेंगे फिर। अच्छा, कब के निकले हुआ? 3-4 दिन हो गया साहब। 4 दिन हो गए, चलिए ठीक। एक और लॉकडाउन की घोषणा के बाद लोगों को घर के बाहर ना निकलने की हिदायत शासन प्रशासन द्वारा लगातार दी जा रही है।
बावजूद घर गृहस्थी के कार्य को लेकर लोग किसी ना किसी बहाने से सड़कों पर निकल ही आते हैं। पिपरिया में भी आज गैस सिलेंडर भरवाने वालों को सड़कों पर घूमता देख SDOP शिवेंद्र जोशी ने HP गैस डिस्ट्रीब्यूटर के ऑफिस और गोदाम पहुंचकर कर्मचारियों से होम डिलीवरी ना किए जाने का कारण पूछा। इसके साथ ही उन्होंने गैस डिस्ट्रीब्यूटर के कर्मचारियों से कहा कि किसी भी उपभोक्ता को रिफिल सिलेंडर के लिए सड़कों पर गोदाम पर ना आना पड़े, इसको लेकर होम डिलीवरी सुविधा आवश्यक रूप से उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जाए। सेमरी हरजन के ग्राम बोरी के पास खेत की नरवाई में आग लग गई, जिसकी सूचना ग्रामीणों के द्वारा स्थानीय थाने में दी गई, जिसके बाद चौकी प्रभारी उमाशंकर यादव ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना कर मौके पर पहुंचे, लेकिन फायर ब्रिगेड पहुंचने के पहले ही ग्रामीणों के साथ मिलकर आग पर काबू पा लिया गया। ग्रामीणों ने बताया कि DP से स्पार्किंग हुई थी, जिससे ये आग लगी थी। समय रहते आग पर काबू पा लिया, नहीं तो कई एकड़ में लगी फसल तबाह हो जाती। सेमरी हरचंद में पुलिस प्रशासन द्वारा नागरिकों और ग्रामीणों को समझाइश दी जा रही है कि अपने अपने घरों में रहें, घर से बाहर ना निकले। उसके बावजूद कुछ लोग मानने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे कुछ लोगों की मोटरसाइकिलों को चौकी प्रभारी उमाशंकर यादव ने पुलिस चौकी में खड़ा किया। उन्हें समझाइश दी कि जो भी व्यक्ति बाजार में बेवजह बाइक चलाते हुए दिखेगा, उसकी मोटरसाइकिल जब्त कर चालानी कार्रवाई की जाएगी। बड़वा नगर व आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना ना फैले, इसको लेकर लॉकडाउन के चलते SDM मिलिंद ढोके, SDOP शैलेंद्र श्रीवास्तव, प्रभारी तहसीलदार राहुल चौहान सहित नगर पालिका CMO हरिराम सिंधिया और प्रशासनिक अमला लगातार लोगों को समझाइश दे रहे हैं कि सभी घरों में रहें, मास्क लगाएं और बार बार साबुन से हाथ धोएं। साथ ही लॉकडाउन का पालन नहीं करने वालों को सख्त हिदायत के साथ साथ उठक बैठक व मुर्गा बनाए जाने का क्रम भी जारी है। हमारे संवाददाता पीयूष शर्मा ने बताया कि प्रभारी तहसीलदार राहुल चौहान सहित नायब तहसीलदार TVSK राहुल डाबर, SI रामाश्रय यादव की टीम सुबह होते ही बुलेट व दोपहिया वाहन पर सवार होकर नगर की गलियों सहित पंचायत क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए ग्रामवासियों को लॉकडाउन के नियमों का पालन करवाने की समझाइश भी दे रहे हैं। हमारे द्वारा लगातार कर्फ्यू जिस प्रकार से लगा हुआ है, कोरोना वायरस से बचाव के लिए हम जनता को जागरूक भी कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज हमने ग्रामीण अंचलों का भ्रमण किया, जहाँ पर हम 3-4 गांव का भ्रमण किया और लोगों को समझाइश भी दी कि आपको दूरी बना के रखना है, अपना मुंह बांध के रखना है, और हमने आज ग्रामीण अंचल को टारगेट किया था। कोरोना को लेकर ग्रामीण अंचलों में काफ़ी जागरूकता है, समय समय पर भी हमने ग्राम सचिव, पटवारी, कोटवार के द्वारा मुनादी करवा कर लोगों को जागरूक किया है, और जहाँ पर लोग इकट्ठे थे उनको भी समझाया गया है। सख्ती भी प्रशासन की तरफ से बरती जा रही है।